नमस्कार, मैं हूँ अंजू रुकानिया, काठमांडू नेपाल से। आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर जो आप लोगों ने मुझसे किए हैं मेरी कहानियाँ सुनने के बाद यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किए कि मैं इन कहानियों के थॉट्स जो है वो कहाँ से लाती हूँ और कैसे सोच लेती हूँ ये सब। तो एक पुरानी कहावत है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वही चीज़ है, वो बात मुझ पर भी लागू होती है। तो लेखक और कवि हृदय है तो ऐसा नेचुरल स्वाभाविक हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो कहानियों की खासियत है वो ये है कि वो सब सत्य घटना पे आधारित है। देखिए, किसी की मैं कहानी लिखती भी हूँ तो पहले उससे अनुमति लेती हूँ कि मैं आपकी कहानी लिख सकती हूँ ना, और जब वो मुझे अनुमति दे देते हैं तो उनकी पहचान गोपनीय रखती हूँ। ये आपके प्रोफेशनल होने का पहला उसूल होना चाहिए। तो प्रोफेशनलिज्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल रहें और अपनी ज़बान के पक्के हों। ये नहीं कि बहुत खुशी हो या किसी को भी कमिटमेंट दे दिया कि मैं आपके लिए ये करूँगी वो करूँगी और मैं ऐसा करूँगी और वैसा करूँगी और उसके बाद डब्बा गोल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपनी वर्ड्स जो होते हैं वो समझ के कहने चाहिए और अपने कमिटमेंट हमेशा पूरे करते रहने चाहिए ताकि आपके ऊपर लोगों का विश्वास हमेशा बना रहे। तो वैसे मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, ना कोई पब्लिक फिगर हूँ, लेकिन ना कोई मेरा बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं, इवन मेरे पास कितने लोगों के जो मेरे अपने बहुत प्रिय हैं, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करते हैं तो वो मुझे ये कहते हैं, रिश्तेदार तो चलिए फिर भी आपके फेवर में बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो मेरे सोशल मीडिया के थ्रू बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज़ चैनल ग्रुप में थी पहले, वहाँ से कुछ मित्र हैं और भी बहुत सारे, जैसे काव्य मंचों से जुड़ी हुई हूँ तो वहाँ के ग्रुप से जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है। तो यही अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत बड़ा है। देखिए, वैसे तो पैसे कमाने की चाह सबको होती है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है मैं झूठ नहीं कहती हूँ, तो पैसे कमाने की चाहत किसे नहीं होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आपका अच्छा काम है तो, मैं थोड़ा लक्ष्य से भटक गई, मैं क्या कह रही थी कि पैसे कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन पैसे के लिए मैं ये यूट्यूब पे काम नहीं कर रही हूँ, ये मेरा पैशन है, राइटिंग इज़ माई पैशन, तो उसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ और यदि आप लोग को पसंद आता है और इन फ्यूचर मेरा चैनल मोनेटाइज होता है तो पैसे आते हुए किसे बुरे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं ना। तो मैं अभी अर्निंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मेरा काम पे फोकस है कि मैं और बेहतर से बेहतर कैसे करूँ। तभी मुझे लगता है कि आप, यदि आप में पैशन होगा और आप ये सोचोगे कि मुझे पैसे तो कमाने हैं लेकिन पैसों से ज़्यादा मुझे क्वालिटी वर्क देना है, तो तब आपका काम और बेहतर होगा। क्योंकि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद शायद आप, जीवन ही एक सीखने की यात्रा है, लर्निंग प्रोसेस होता है जीवन में, डे बाय डे रोज़ ही आप सीखते हैं। तो जब 2 साल बाद मैं शायद अपना ये काम देखूंगी तो मुझे लगेगा अरे अरे अभी तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ, पहले कैसा काम करती थी। तो लेकिन आप मुझे सराह रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप अपना वक्त निकाल के मेरे चैनल पे आके मुझे सुनते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट जो भी, अभी रिसेंटली मैंने तपस्या अमृता की जो लिखा और टिकट रसीदी पढ़ के मैं बहुत इंस्पायर हुई। अमृता प्रीतम के बारे में मैं पहले भी जानती थी लेकिन उस वक्त मैंने इतना डीपली उनको नहीं जाना था, नहीं पढ़ा था उनके बारे में, लेकिन ये नावल पढ़ने के बाद में मेरे मन में ये इच्छा जगी कि मैं लिखूं। तो मैंने जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है, मेरी कहानियों का की यही क्वालिटी है कि वो सब सत्य पे आधारित होती है और
कुछ मैं जिन लोगों की कहानियाँ लिखती हूँ उनकी पहचान गोपनीय रखती हूँ, क्योंकि पहचान बताना सही नहीं है, तो वो नहीं करती हूँ। और इसी तरह आप भी मुझे अपने सजेशंस भेजते रहिए और मैं आपको नई नई कहानियाँ सुनाती रहूँगी जो कि सच्ची होंगी, शायद आपकी सच्ची हैं इसीलिए दिल के करीब आप रिलेट कर पाते हैं उससे। जब मैंने अमृता वाली कहानी लिखी थी तो मेरे पास 2-3 लोगों के मैसेजेस आए थे कि आपने हमारी कहानी क्यों लिख दी, लेकिन यही एक राइटर की सफलता को दिखाता है कि आप जो लिख रहे हैं वो कितने लोगों को अपने जीवन का सच लगता है। तो इस बात की मुझे खुशी है और मैंने उन्हें फिर बताया कि ऐसा नहीं है, अगर आपका लिखूंगी तो आपसे अनुमति लेके ही तो लिखूंगी ना, ऐसे नहीं लिख सकती। हालांकि उन्हें स्टोरी बहुत पसंद आई थी, तो उन लोगों ने बोला कि यदि आपने हमारी भी कहानी भी लिखी होती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि बहुत सुंदर आपने प्रेजेंटेशन दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए मैं बीच बीच में आती रहती हूँ, क्योंकि उनसे मुझे बहुत प्यार मिलता है और बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों से सीख रही हूँ, जीवन से सीख रही हूँ, जो अतीत में गुजरा है उससे भी बहुत कुछ सीखा, उससे तो बहुत ही कुछ सीखा है। वो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इतना बैड एक्सपीरियंस भी होता है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, तो बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, आगे भी सीखती रहूँगी, अच्छा काम करती रहूँगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। तो अपना प्यार मुझे यूँ ही देते रहिए और मेरे साथ बने रहिए हमेशा अंजू डुकानिया यूट्यूब चैनल पर। आई लव यू ऑल, I love you all.